हेलो फ्रेंड्स, मैं अनके जसवाल, मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ यूट्यूब पे आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड ये सब कुछ किसी की ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, ठीक है, और इन गैलेक्सियों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड बनने के संबंध में बहुत सारे विद्वान अपने अपने विचारधाराएं दी हैं। उन्हें विचारधाराओं में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग थियरी को जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था। सन 1894 से और 1896 के बीच में बताया था, और रॉबर्ट बेगनर ने इन्हें प्रसारित किया था। बिग बैंग थियरी को जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 1896 बी में बताया था कि आसपास ने बताया था, और रॉबर्ट बेगनर ने प्रसारित किया था। और रॉबर्ट बेगनर ने सन 1967 ईस्वी में इसे डेटा के साथ लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको जानना आप लोगों को जरूरी है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये हम जान गए। सबसे पहले हम जाने कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और उन गैलेक्सियों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड बनने के संबंध में बहुत सारे विद्वान ने अपनी अपनी विचारधाराएं दी है। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट विचारधारा है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 1896 में बताया था, और रॉबर्ट बेगनर ने डेटा के साथ इसे लागू कर दिया था सन 1967 ईस्वी में। तो और क्या बताया गया था? तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से अधिक गैलेक्सियां हैं, और उन गैलेक्सियों में लगभग 100 अरब से अधिक तारे हैं। तारे और ये गैलेक्सियां, और इन्हीं गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी हमारी पृथ्वी की भी है, जिसे हम आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ओके। तो आइए हम देखते हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे गैलेक्सियां हैं, और उन गैलेक्सियों में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, और उन्हीं तारों में से ये गैलेक्सियां हो गई, और इसमें बहुत सारे क्या हो गए? तारे हो गए, ठीक है। और इन्हीं तारों में से एक तारा हमारा सूर्य भी है, और ये गैलेक्सी जो है, ये आकाशगंगा, ये पृथ्वी का भी गैलेक्सी है, ठीक है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक सूर्य है, सूर्य तारा है उन्हीं में से, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उन्हीं में से हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि तारा कहाँ से बनते हैं, कैसे तारा बनते हैं, और तारे में प्रकाश कहाँ से आते हैं। और आप लोग तो सबको पता ही होगा कि सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य में कहाँ से प्रकाश आते हैं। आइए अब जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तारों का निर्माण, ठीक है, इसके पहले हम क्या देखे?
हमारा एक ब्रह्मांड है, उसमें गैलेक्सियां हैं और उन गैलेक्सियों में क्या है, बहुत सारे तारे हैं और उन्हीं तारों में से अपना एक सूर्य भी है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह और उन्हीं ग्रह में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो विभिन्न प्रकार के गैस धूल के कण मिलकर तारों का निर्माण होता है। यह एक गैसीय गोला होता है। क्या होता है? गैसीय गोला होता है। तारा क्या होता है? गैसीय गोला। बहुत सारे गैस मिलकर, धूल के कण मिलकर तारों का निर्माण होता है, निर्माण होते हैं। प्रकाश तारे में, प्रकाश तारों में प्रकाश और ऊर्जा, और ऊर्जा तारों में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय, नाभिकीय संलयन। हम जानते हैं कि तारों में दो प्रकार के गैस होते हैं। क्या होते हैं दो प्रकार के गैस? हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है तारों में और हीलियम की मात्रा कम होती है। तो नाभिकीय संलयन क्या कहता है? नाभिकीय संलयन कहता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार दो हाइड्रोजन मिलकर, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और प्लस ऊर्जा का, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है यही तारों में भी वही ऊर्जा होती है, वही प्रकाश होती है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा या प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, तो क्लियर तो हो ही गया होगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और यही ऊर्जा सूर्य में भी प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया जब तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में न कन्वर्ट हो जाए। जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो तारे का कलर लाल हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि तारे का कलर किसको सूचित करता है, तो तारे का कलर हमेशा ताप को सूचित करता है। जब तारे का कलर नीला होता है, नीला होता है तब तारे का ताप सबसे अधिक होता है। ताप क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और जब तारे का कलर लाल हो जाता है, लाल हो जाता है तब ताप सबसे कम हो जाता है, ताप सबसे कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तारे का कलर चार कलर के रूप में बदलते रहते हैं। पहला है नीला, फिर सफेद हो जाते हैं तारे, फिर पीला हो जाते हैं, पीला होने के बाद लाल हो जाते हैं। देखिए, जब तक ये मतलब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है वैसे ही तारे का कलर बदलता रहता है। मतलब सब हाइड्रोजन अगर हीलियम में बदल जाएगा तो ऊर्जा की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो ये तारे का कलर लाल हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं तो हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगती है, तो जब हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे, तो उसके बाद नीले के बाद सफेद हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा और हाइड्रोजन जाता है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो तारे का कलर पीला हो जाता है, फिर जब सब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तब ऊर्जा का क्षमता बहुत ही कम हो जाता है, तब ताप लाल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि तारे का कलर लाल, हम लोग देखे कि तारे का कलर नीला, सफेद, पीला और लाल कैसे होता है। देखे हम लोग, नीला कब होता है? जब ताप सबसे अधिक होगा तब नीला होगा। लाल कब होता है? जब ताप सबसे कम होगा तो लाल हो जाता है। तारे का कलर जब लाल हो जाता है तो इस घटना को हो, जब तारे का कलर लाल हो जाता है, मतलब तारे का कलर लाल हो जाता है, तारे का कलर लाल हो जाता है तो इस घटना को हम लाल दानों के नाम से भी जानते हैं। लाल
दानों के भी नाम से जानते हैं, यानी जब तारे मृत अवस्था में आ जाते हैं तो लाल दानों के रूप में हम जानने लगते हैं। जब तारे मृत अवस्था में हो जाते हैं यानी तारे का कलर लाल हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है, ठीक है, उनमें एक विस्फोट होता है, उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। जब तारे का कलर लाल हो जाता है यानी जब तारे मृत अवस्था में हो जाते हैं तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है, ब्लैक होल की घटना क्या होती है। तो ब्लैक होल की घटना, अगर कोई बड़ा सा तारा है, कोई बड़ा सा तारा है, ये सपोज कीजिए कि ये तारा है, ठीक है, ये तारा बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसमें ये तारे का कलर लाल हो गया है यानी ये मृत की अवस्था में है, इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है, इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। अगर तारा बहुत ही बड़ा है, वो तारा लास्ट स्थिति पे है यानी मृत की अवस्था में है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद से यहाँ पे एक खाली स्थान बचता है, ये जब विस्फोट हो जाता है तो यहाँ पे खाली स्थान बच जाता है, तो जहां से खाली स्थान बचता है वहां से न तो प्रकाश गुजर पाता है न कुछ भी गुजर पाता है, वहां से कुछ भी नहीं गुजर पाता है, तो इस घटना को हम ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। और जब तारा बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है और उसमें वो मृत की अवस्था में है, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है तो जब विस्फोट हो जाता है तो इसे पल्सर तारा कहते हैं, इसे पल्सर स्टार या न्यूट्रल स्टार भी कहते हैं। ये जो तारे होते हैं ये अपने जगह पे बहुत तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। आप लोग जान गए कि सुपरनोवा विस्फोट होता है तो मतलब ब्लैक होल का घटना होता है, ठीक है, वो खाली स्थान बच जाता है, वहां से ना तो प्रकाश गुजर पाते हैं ना ही कुछ भी गुजर पाता है, यहाँ से जो गुजरते हैं इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, ठीक है। और सुपरनोवा विस्फोट जब ब्लैक होल का निर्माण होता है, जब ब्लैक होल की घटना होती है, इस ब्लैक होल की घटना को यश चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम बताया था, और ये कहाँ कराने वाले थे, ये भारत कराने वाले थे। ये यश चंद्रशेखर ने सन 1930 में ब्लैक होल की घटना को सन 1930 में बताया था, किसने, यश चंद्रशेखर ने, और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये भारतीय थे। अब बात करते हैं कि 1930 में, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल की घटना को सर्वप्रथम यश चंद्रशेखर ने बताया था। यश चंद्रशेखर ने सन 1930 ईस्वी में बताया था और ये इंडिया के रहने वाले थे और ये भारत के रहने वाले थे। बात करते हैं 1930 में, तो कई बच्चों को ये 1930 भूल जाता है, कंफ्यूजन रहता है कि 1929 था कि 1930 था, 1931 था कि 1932 था कि 1934 था, तो हम बताते हैं कि एक ट्रिक बताते हैं, उससे शायद आपको याद रह सकता है, ठीक है। तो जहां 1930 में ब्लैक होल की घटना यश चंद्रशेखर ने बता रहे थे, वहीं सीवी रमन ने 1930 में नोबेल पुरस्कार पाया था, और 1930 के बाद ये 1935 में लंदन में इसे प्रसारित किया था, और 1983 में, बात करते हैं 1983 ईस्वी की, तो 1983 में हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जहां 1983 में ब्लैक होल की घटना को यश चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार पाए ब्लैक होल की घटना के लिए, वही 1983 में उसी सन में जो कपिलदेव थे वो भारत को क्या किए थे, वर्ल्ड कप दिलाए थे 1983 में, ठीक है। कपिलदेव ने 1983 में जहां भारत को वर्ल्ड कप दिलाया 1983 में, उसी 1983 में ब्लैक होल की घटना बताने के लिए यश चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आइए कुछ और टॉपिक हम लोग देखते हैं इसके आगे। अगला टॉपिक ये है कि जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो कुछ तारे एक समान के दिखाई देते हैं, उसे हम सप्तर्षि कहते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं, एक ही पास दिखाई देते हैं, एक ही समान के दिखाई देने वाले होते हैं,
तो ये सप्तऋषि होते हैं, सप्तऋषि के तारे होते हैं। इस एक समान से दिखाई देने वाले तारों को हम सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसे रफ कर देते हैं। और अगर हम उत्तरी ध्रुव में देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव में एक तारा दिखाई देता है, वो बहुत चमकता है, उसे हम ध्रुव तारा भी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा ग्लोब है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। मतलब ये ध्रुव नहीं होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, ये गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी गलती बोल दिया है, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो इसी की दिशा में एक तारा होता है जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। हमारे आकाश आकाशगंगा में कुल 88 तारा मंडल है। तारामंडल है, और इन्हीं तारामंडल में से एक भाग सप्तऋषि भी है, उन्हीं में से सप्तऋषि भी होता है और ध्रुव तारा भी होता है, ऐसे बहुत सारे तारे होते हैं। तो हमारे आकाशगंगा में पूछता है एग्जाम में, कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि हमारे आकाशगंगा में कितने कुल तारामंडल है, तो 88 तारामंडल है। कहीं कहीं बुक में दिया जाता है 89, तो ये 89 तारामंडल नहीं है, एक्चुअली 88 तारामंडल है। अगर ऑप्शन में 88 को छोड़कर 89 दिया है तो 89 ही हम लोग लगा दीजिएगा, अगर 89 नहीं दिया है, 88 दिया है तो 88 को लगाइएगा, और दोनों दिया है तो 88 को लगाइएगा। ठीक है, तो आइए कुछ और आगे देखते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। तो हमारे आकाशगंगा में कुल कितने तारामंडल है, 88 तारामंडल है, और सूर्य जो सूर्य होता है वो 25 वर्ष में जो अपना अपने हमारे पृथ्वी का जो आकाशगंगा है, हमारे पृथ्वी का जो आकाशगंगा है उसे आकाशगंगा के केंद्र, आकाशगंगा का जो केंद्र है सूर्य, 25 वर्ष में सूर्य 25 वर्ष में क्या करता है, इसका एक चक्कर लगाता है, इसका आकाशगंगा के केंद्र का 25 वर्ष में सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, 25 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। तो वही देख रहे हैं कि सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और जो चक्कर लगाता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारा आकाशगंगा है, आकाशगंगा या दुग्धमेखला कुछ भी, इसे हम रफ कर लेते हैं। ये जो मेरा आकाशगंगा है, आकाशगंगा, ठीक है, ये सब पूछ लीजिए कि ये मेरा आकाशगंगा है, ठीक है, ये पृथ्वी का आकाशगंगा है, और इस आकाशगंगा के सबसे नजदीक का जो गैलेक्सी होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। इस गैलेक्सी का क्या नाम है, एंड्रोमेडा, और ये आकाशगंगा है जो अपना गैलेक्सी है। ठीक है, सबसे नजदीक का अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि आकाशगंगा का सबसे नजदीक का गैलेक्सी जो पृथ्वी का गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के सबसे नजदीक का गैलेक्सी का क्या नाम है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम है। आइए एक टॉपिक और आगे हम लोग देखते हैं, ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, ओरियन नेबुला। तो यहाँ पे देखिए दिया है ओरियन नेबुला, सबसे चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। देखिए, सबसे नजदीक चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। सूर्य के बाद, देखिए यहाँ पे दिया है, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा साइरस स्टार है। सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा तारा है, साइरस या डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीकी तारे का नाम क्या होता है, सूर्य का सबसे
नजदीकी तारा का नाम, तारा का नाम प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य का, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य के पास जो सबसे नजदीक एक तारा है जिसका नाम क्या है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। देखिए प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और एक टॉपिक और हम लोग जान जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी और गैलेक्सियों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष के रूप में हम मापते हैं, प्रकाश वर्ष के रूप में हम मापते हैं, ठीक है। तारों के बीच की दूरी और गैलेक्सियों के बीच की दूरी, तारों के बीच की, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम इसे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 × 10^12 या 9.46 × 10^15, ओके। तो हम लोग देखें कि ब्रह्मांड में जो तारों के बीच की दूरी है और गैलेक्सियों के बीच की दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष के द्वारा हम नापते हैं, और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर या 9.46 × 10^15 किलोमीटर, ओके। तो हम लोग क्या क्या देखे, पहला देखे कि महाविस्फोटक सिद्धांत, और बात करते हैं हम आकाशगंगा की, कुछ छूटा था आकाशगंगा का, जो अपना आकाशगंगा है, पृथ्वी की आकाशगंगा है, उससे जो ये हमारा अपना आकाशगंगा है, पृथ्वी की जो आकाशगंगा है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वे किस आकार का रहता है, तो ये कभी कभी इस तरह रहता है, मतलब सर्पीला आकार होता है, सर्पीला आकार का। देखिए मंदाकिनी जो गैलेक्सी अपना है आकाशगंगा, वो सर्पीला आकार है। और बात करें आकाशगंगा की, तो आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था, आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था और 1617 ईस्वी में इसे देखा था। और बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने दूरबीन की आविष्कार रखे हैं, ठीक है। तो आकाशगंगा और आकाशगंगा को भारत में किस किस से नाम से जाना जाता है, तो सूर नदी के नाम से भी भारत में जाना जाता है, आकाश नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हरिताली आदि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जहां देखे हम लोग, सबसे पहले हमने देखा कि महाविस्फोटक सिद्धांत, पहले ब्रह्मांड हम लोग देखे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, उस ब्रह्मांड में बनाने के संबंध में बहुत सारे विद्वान अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं, उनमें से एक विचारधारा है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे जॉर्ज लामेंटियर ने 1994 से 1996 के आसपास में बताया था, और फिर रॉबर्ट वेगनर ने उसे प्रसारित करते हुए 1967 में दृढ़ता के साथ इसे लागू किया था। फिर हमने देखा कि गैलेक्सी जो मंदाकिनी है वो किस आकार का है, तो वो सर्पिला आकार का है। मंदाकिनी को भारत में किस किस से नाम से जाने जाते हैं, उसे शिव नदी के नाम से भी जानते हैं, आकाश नदी के नाम से भी जानते हैं, देव नदी के नाम से भी जानते हैं, और हरिताली नाम से भी जानते हैं आदि। गैलीलियो ने 1617 में क्या कहा था, देखा था, जो गैलीलियो थे वो आकाशगंगा को सर्वप्रथम 1617 ईस्वी में अपने आकाशगंगा को देखे थे, कौन, गैलीलियो ने। तारों में प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। फिर हमने देखा तारों में प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारे का निर्माण कैसे होता है, तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के गैस, धूल के कण आदि मिलकर तारों का निर्माण हो रहा है। फिर उनका ऊर्जा और प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। उसमें नाभिकीय संलयन में होता है, जो तारे में दो प्रकार के गैस पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन पाए जाते हैं, दूसरा हीलियम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और दूसरा हीलियम की मात्रा सबसे कम, मतलब उससे कम होती है, और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण होती है। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह हम लगा दिए हैं, ये बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, ये इक्वल टू का चिन्ह। जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हम एरो का चिन्ह देते हैं। हम वीडियो में भी गलती से हम लिख दिए होंगे, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, वहां पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं रहेगा बल्कि एरो का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, यहाँ पे गलती से भूल गए थे, और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसी ऊर्जा उत्पन्न के कारण सूर्य में प्रकाश होता है। और हम लोग देखे कि ऊर्जा में जब ये पूरा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो तारे लाल कलर का हो जाता है, जो मृत अवस्था में हो जाता है। और वही मृत अवस्था जब हो जाता है तो इस घटना को हम लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। और जब लाल दानव के रूप में हो जाता है तो उस तारे में क्या होता है, विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट करते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उस तारे में विस्फोट होता है और जहां तारा मतलब विस्फोट होता है वहां पे एक खाली स्थान होता है जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। और जो खाली स्थान बचता है वहां से न तो कोई प्रकाश गुजर पाता है न ही कुछ और गुजर पाता है। तो हम लोग इसको देखें, फिर हम देखें ब्लैक होल को सबसे पहले 1930 में देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, तो यश चंद्रशेखर के द्वारा देखा गया था। और यश चंद्रशेखर कहाँ के थे, तो भारतीय थे। फिर हमने देखा कि हमारे आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं और कुछ तारे होते हैं जो एक समान के दिखाई देते हैं, उन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। उनका आकार कुछ इस तरह होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि हमारे आकाशगंगा में कुल 88 तारा मंडल है। फिर हमने देखा कि सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र को चक्कर लगाता है, मतलब सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। इस ब्रह्मांड जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ऐसे ही हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे, जैसे हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। फिर हमने देखा ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो सबसे चमकीले तारों को हम ओरियन नेबुला कहते हैं। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो साइरस या डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। फिर हम देखे कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी जो तारा है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। फिर ब्रह्मांड को देखे, ब्रह्मांड में जो तारे के बीच की दूरी और गैलेक्सी के बीच की दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष के रूप में मानते हैं। और देखे प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, तो 9.46 × 10^12 या 9.46 × 10^15, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सौरमंडल को हम उसमें देखेंगे, सोलर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू वेरी मच।